हरियाणा के कई इलाकों में हीट वेव की संभावना है। आईएमडी वैज्ञानिक अजय कुमार सिंह ने जानकारी दी, 16 से 18 तारीख तक हीट वेव की संभावना है। 16 और 17 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और 18 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अगले 5 से 7 दिन तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। हीट वेव का ऐलान किया गया है, संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। हरियाणा के कुछ इलाकों में हीट वेव रहेगी। आईएमडी वैज्ञानिक अजय कुमार सिंह ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 16 से 18 मई तक हीट वेव रहेगी। 16 और 17 के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया और 18 के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ऑलरेडी मई का महीना का चल रहा है, गर्मी पड़ रही है, ये सबको रियलाइज हो रहा है, लेकिन अभी तक जो एक्सट्रीम वेदर जो बोला जा रहा था वो अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा था। जो एक्सट्रीम वेदर जो कि हम हीट वेव के कंडीशन या फिर सीवियर हीट वेव के कंडीशन है वो अब तक ऑब्जर्व नहीं किया जा सक रहा था। लेकिन जहां तक अब हमारा पूर्वानुमान है 16, 17, 18 मतलब 16 तारीख से हीट वेव के कंडीशंस जो है आपको पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ एक पार्ट्स में आपको ऑब्जर्व किए जाने शुरू हो जाएंगे। 17 को इसकी इंटेंसिटी और भी बढ़ जाएगी और 18 तारीख को आपको सीवियर हीट वेव के भी कंडीशंस ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। मतलब कि अब लोगों को जानलेवा गर्मी के लिए 16 तारीख से तैयार रहना पड़ेगा, जिसकी इंटेंसिटी अभी बढ़ने वाली है। हमने 16-17 को येलो अलर्ट दिया है और आपको 18 को हमने इसका ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है। और इसमें भी आपको खासकर वो पार्ट आपको ज़्यादा सेंसिटिव है, पंजाब के साउथ वेस्ट पार्ट आपको ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जैसे बठिंडा हो गया, उसी तरीके से हरियाणा के भी साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो हैं जैसे हिसार हो गया, गुरुग्राम हो गया, ये सब आपको ज़्यादा सेंसिटिव हैं। इसमें 18 को आपको सीवियर हीट वेव के कंडीशन ऑब्जर्व किए जा सकते हैं।